अच्छा, तो कितनी शुगर आया करती है? शुगर खाली पेट थी अपने 300 खाली पेट। खाली पेट अच्छा, अभी 120 खाना खाने बाद 140। हाँ, एक हफ्ता पहले लेके थे दवाई। हाँ, बस एक हफ्ता हुआ। अच्छा, तो के कहना चाहोगे शुगर की दवाई के बारे में, जो लोग दुनिया कह ला रही है कसूती चीज बना रखी है? मैं तो अंधी कह दी, मैं तेरे पाया घास लाऊं। अच्छा, नियाल कर दिए। नियाल कर दिए। तो खाली पेट 200-225 रहता था। एक ही डोज में मेरी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। बिल्कुल नॉर्मल आ गई। हाँ जी। अब तो मैं दवाई भी एक ही टाइम लेती हूँ। 80-80। हाँ जी, हाँ जी, 80 तक आ गया मेरा, 77 तक आ गया था। हाँ, 106 आ रही है, पहले 180-200 के बीच में रहा कर दी। मैं पहले तो भाई एडवांस में मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नया साल पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, शुभकामनाएं मेरे साथ से आपके लिए। घर में खुशहाली रहे, सदा सदा खुश रहो, स्वस्थ रहो। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लामा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल खड़े हम श्री श्याम एक्यूप्रेशर हिसार वैद्य सुनील गोयल जी के पास, और आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर शुगर की दवाई ऐसी गजब की दी जाती है कि रोगी कहता है कि पहली खुराक से ही नॉर्मल आनी शुरू हो जाती है। और ऐसा ही वैद्य जी कह रहे हैं, ऐसे रोगियों से आपकी बात कराऊंगा। एक तो शुगर बहुत गजब की दवाई बनाई है, और मेरे ख्याल से ऐसा पूरे भारत में नहीं होगा कि पहली खुराक से आपकी शुगर नॉर्मल आनी शुरू हो जाए। और लोगों के मुँह से उन्हीं की जुबानी सुनवाऊँगा आपको, कितनी शुगर रहती थी और कितनी अब है, कितनी आ चुकी है, मीठा भी खाने लग गए हैं और खुराक भी कम कर दी है, दवाइयां छोड़ दी हैं जो लेते थे शुगर की, सभी कुछ वो सारी बातें आपकी करवाऊंगा मैं। दूसरा, लकवा पैरालाइज जिसको बोलते हैं, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कोई भी नसों से संबंधित कोई भी तकलीफ है, कोई भी समस्या है, उनका इलाज वैद्य जी काफ़ी सालों से कर रहे हैं। और ये शुक्रवार को बैठते हैं हिसार में, शनिवार को बैठते हैं कुंगड़ गाँव में, जो सोरखी के पास हिसार के हिसार ज़िले में ही पड़ता है, कुंगड़ भिवानी में पड़ता है, वैसे सोरखी से 5 किलोमीटर है। और संडे को बैठते हैं रोहतक में, बस स्टैंड के नज़दीक ही बैठते हैं दिल्ली रोड पर। और सोमवार को छुट्टी रहती, मंगलवार को दिल्ली नागलोई में बैठते हैं, और बुधवार को सेक्टर 21 रोहिणी दिल्ली में बैठते हैं, वीरवार को एक वीरवार छोड़ के जींद जाट धर्मशाला में बैठते हैं, और शुक्रवार को फिर हिसार में बैठते हैं। तो आप किसी प्रकार की समस्या है, कोई भी नसों से संबंधित आपको तकलीफ है, शुगर की तो बहुत ही गजब की आज पूरे भारत में छाई हुई इनकी दवाई, आप डाक द्वारा ही मंगवा सकते हैं। और नीचे फ़ोन नंबर चल रहे हैं, आप इन पे संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन न भी उठे तो आप व्हाट्सएप पे संदेश भेज सकते हैं। तो मैं बात कराऊंगा वैद्य जी से भी, और कुछ मरीज भी जितने बैठे हुए हैं, एक बार दिखाएँ कैमरामैन से, कहूँगा बहुत से मरीज आए हुए हैं, और सभी से बातें करवाऊँगा आपकी मैं, कि क्योंकि हम तसल्ली करवाते हैं भाई मरीजों से ही, क्या वास्तव में जो रिजल्ट हैं वो सही है, क्योंकि वैद्य और हम कुछ भी कहें वैद्य भी कुछ कह देगा मेरी दवाई रामबाण है, लेकिन जब तक मरीज को वो सूट नहीं करती, मरीज नहीं बताता, हम नहीं मानते इस बात को, इसीलिए मैं तसल्ली करवाता हूँ मरीजों से पूछ के। आप कहाँ से हैं भाई साहब? आशीष से जी। आशीष, आपकी समस्या से? पहली बार आया जी, दादी ने दिखाया। अच्छा अच्छा, क्या तकलीफ से? ये नशा तकलीफ से 5 महीने हो रहे मेरे जुम्मे। कई साल होगी? हाँ, कई साल होगी। पहली बार आई? पहली बार। चलो दिखाओ। एक ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं वैद्य सुनील गोयल जी, और आप सभी जानते हैं कि भाई हाथों में भगवान ने ऐसा जादू बक्स रखा है, श्री श्याम, बाबा श्याम की कृपा भी इनके ऊपर बहुत बहुत अच्छे से है, और बाबा श्याम के नाम से कुंगड़ में कोई फीस नहीं ली जाती, श्याम का मंदिर बन रहा है, बहुत भव्य बनाने लग रहे। आप लोगों की सहायता से, आप जो यहाँ पर पर्ची कटवाते हैं या दवाई लेते हैं, उन्हीं के अंश वहाँ, आपका हर किसी मरीज का अंश वहाँ पर लग रहा है। और ये भाई साहब से पूछेंगे हम, क्या समस्या थी यार, के तकलीफ से कहाँ से आए भाई साहब? मैं सिरसा से हूँ जी। सिरसा से। क्या समस्या आपका? मेरे तो कमर की थी। कमर की? हाँ। कितने ही दिन से है? ये 2-3 दिन थे। 2-3 दिन थे। ये बैठ उठ की देख के समस्या थी, गोड्डा हो झुकी देख। हाँ बिल्कुल, ट्राई मार, पूरी ट्राई मरवा अगर हम तो पूरी तसल्ली करवा। हाँ खूब घूम के देख ले, ये तो बैदगत हो रहे हैं कि मैं कमी समी रह रही हो, तो और ठीक करवा देंगे ना। सही है, सही हो गया। हाँ। बिल्कुल कोई दर्द नहीं? ना ये भी तो कोई, पहले दर्द नू लागे है कि भी कोई नहीं उधर। हाँ ये ठीक है, ठीक है। हाँ। कोई समस्या नहीं? ना कोई समस्या। सही कि मैं जुगाड़ मतलब ईशा की इलाज करे, सही करे। हाँ ठीक है, मेरी माँ लेने लग रही है दवाई। अच्छा, मेरी मम्मी भी? अच्छा अच्छा, सभी ठीक है? हाँ घर में ठीक है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो मैं वैद्य जी से ही बात कराऊंगा आपकी। आप कहाँ से भाई साहब? मैं दिल्ली से।
दिल्ली से? हाँ दिल्ली तो खुद आया करे, वैसे आप दिल्ली तो उड़ा आगे। मैं बड़े चक्कर काटे हैं यार इंदौर। अच्छा क्या समस्या आपका है? मेरा शुगर है भाई। शुगर? भाई शुगर वाली बड़ी समस्या है। शुगर की, शुगर की दवाई न्यू के भाई सी उस दी मेरी ख्याल भारत में नहीं बनी है। नहीं है। हाँ जी नहीं है भाई। आप ले गए थे? हाँ ले गया था। अच्छा तो कितनी शुगर आया करती है आपका? शुगर खाली पेट थी अपने 300। 300 खाली पेट? खाली पेट। अच्छा अभी 120 खाने के बाद 140। हाँ एक हफ्ता पहले लेके थे दवाई? हाँ बस एक हफ्ता ही हुआ। अच्छा तो के कहना चाहोगे शुगर की दवाई के बारे में जो लोग दुनिया कहने ला रही है भाई कसूती चीज बना रखी है? मैं तो अंधे कह दी मैं तिरपाया घास लाऊं। अच्छा, नियाल कर दी है। नियाल कर दी। हाँ और आपने तो दवाई ने दवाई की मतलब ली होंगी पहले भी और भी ली होंगी? हाँ चलता था मेरा T20 चलता था। अच्छा, कोई फर्क नहीं ना कुछ नहीं। लेकिन ये एक हफ्ते में ही आपकी नॉर्मल? हाँ नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल कोई दिक्कत समस्या कुछ भी खाओ कुछ भी खाओ कोई परहेज नहीं कुछ नहीं। ले भैया अभी कमाल की बात है डॉक्टर लोग परहेज बता दे इतने बता दे हैं मीठा ना खाइए चाय ना पिए न्यू ना करिए न्यू ना करिए वैद जी न्यू कहे भाई कुछ भी खा मन ने छोड़ की किमें खा न्यू कहा अगर वैद भाई मन ने छोड़ की किमें खा लेकिन दवाई टाइम पहले और चेक करता रहिए क्योंकि दूसरी खुराक में ही नॉर्मल आ जाती है और यदि तीसरी खुराक ले लेगा ज़्यादा तो फिर डाउन चली जाएगी। शुगर शरीर के लिए बहुत जरूरी है इंसुलिन शरीर के लिए जान शुगर बिना तो शरीर चला भी कोई लेकिन नॉर्मल रहनी चाहिए इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है। कहाँ से हैं आप? हिसार से है जी। हिसार से? हाँ जी। क्या समस्या आप? शुगर है जी। शुगर कितनी रहा है गर्दी? 420 450 ऐसे है थी। 400 450। हाँ जी अब तो आज है 140। 140। हाँ कितने दिन हो गए दवाई लेके? एक हफ्ता हो गया जी आज। हाँ जी तो पहले दूसरी खुराक ली फिर भी चेक करवाया था क्या कराया था क्या? पहले नहीं आज कराया था। आज ही कराया था तो 140। हाँ 140 थी। तो नॉर्मल आ गई फिर तो? हाँ नॉर्मल आ गई। अच्छा तो बढ़िया है फिर इसका मतलब दवाई? हाँ बढ़िया दवाई बढ़िया है। अच्छे हाँ अब ऐसे शरीर भी बता देता होगा। हाँ बस थोड़ा एक टाइम को भी दो दिन में लो और लो जा रहे हैं आपका 80 तक आ गया। अच्छा 80 तक शुगर ठीक है ना? अच्छा तो एक टाइम ले रहे हो? हाँ जी पहली खुराक में नॉर्मल हो गया था पहली फर्स्ट डोज सेकंड डोज तो मेरे को आधी करनी पड़ी। ये तो जल्दी छूट गया मैंने उस दिन भी बोला था मैं आपका तो बहुत जल्दी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा कहाँ से आप? यहीं हिसार से। हिसार से? हाँ जी। कितना रहता था शुगर आपको? मेरे को खाली पेट 200 सवा 200 रहता था। एक ही डोज में मेरी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। बिल्कुल नॉर्मल आ गई। हाँ जी अब तो मैं दवाई भी एक ही टाइम लेती हूँ। एक टाइम लेती हैं? हाँ जी। अभी कितना रहता है तो वैद्य जी तो कह रहे हैं 80 80 80। हाँ जी हाँ जी 80 तक आ गया मेरा 77 तक आ गया था। 70 तक आ गया? हाँ जी। तो बंद करो एक बार बीच में इसको। हाँ जी अब कह रहे हैं बल्कि बीच में छोड़ के लिया करो दवाई। मेरी दवाई कह रहे हैं बंद हो जाएगी थोड़े टाइम बाद। हाँ जी तो शरीर में भी बढ़िया महसूस कर रही होंगे? हाँ जी हाँ जी पहले से अच्छा महसूस हो रहा है। दवाई बढ़िया है शुगर की? दवाई इस जैसी तो कोई दवाई नहीं बहुत बढ़िया शुगर में। हाँ जी शुगर के लिए बहुत बढ़िया दवाई है। पहली खुराक में नॉर्मल आ गया? हाँ जी हाँ जी पहली खुराक में ही नॉर्मल आ गया। धन्यवाद शुक्रिया। नाम क्या है आपका? मेरा सुनीता। हाँ जी कितने दिन से थी शुगर? मेरे को 2016 में पता चला था इतने टाइम से शुगर थी। हाँ जी तो अभी तो वैद्य जी ने कह दिया कि बंद कर दो दवाई। हाँ जी हाँ जी अभी कह रहे हैं डोज कम कर दो थोड़े दिन में बंद ही हो जाएगी। हाँ जी धन्यवाद शुक्रिया। एक और भाई है भाई आए हैं कहाँ से आए पूछते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी कहाँ से हैं आप? जाखोदखेड़ा से। जाखोदखेड़ा से यहाँ क्या समस्या लेके आए? अपनी शुगर थी जी। शुगर कितनी रहती थी? 200। 200 यहाँ से दवाई ले गए थे? हाँ दो बार। दो बार नॉर्मल है? नॉर्मल अब 106 नॉर्मल से भी कम आ गई अब तो। हाँ तो दवाई जब पहली बार ली दूसरी पहली दूसरी खुराक में कितना का अंतर पड़ गया? पहली तो मैंने चेक कौन करवाया था सर जी। अच्छा दोबारा भी काल ही चेक करवाया है। अच्छा हाँ 106 आ रही है पहले 180-200 के बीच में रहा कर दी। 106 आ गई अब आपकी तो दवाई बढ़िया है शुगर की? हाँ बढ़िया है सर एकदम बढ़िया जी। मेरे ख्याल से भाई लोग कहते हैं कि वे ऐसी दवाई देखी नहीं हमने वास्तव में सही है। वाकई में ये बात ठीक है जी। धन्यवाद जी। इन्होंने शोध किया शुगर के ऊपर ऐसी रामायण दवाई बना दी और उसी दवाई के बारे में हम बात करेंगे। और लकवार सर्वाइकल जोड़ा का दर्द का आप काफी साल से वीडियो देखते आ रहे हैं लोक प्रसार हरियाणा चैनल पर देखो ऐसे ऐसे मतलब
जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। भाई मेरी तरफ तो भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल हम ही तो मना आगरा चैत में, लेकिन ई भी कहे हैं तो मैंने भी छेती कहनी पड़े है, जनवरी हमारा नया साल नहीं है, अंग्रेजी का महीना, हम तो चैत में मना आगरा। और जब हमारा जो भारत का जो असली साल है वो संवत और ये विक्रमी संवत है और वही लगेगा तब मनाएंगे, लेकिन हम दे देते हैं आपको शुभकामनाएं, ले लीजिए, फिर नया साल लग गया, नई दिवाली आओ 22 जनवरी ने, उस दिन फिर देंगे अपने शुभकामनाएं। तो सर मैं तो ये पूछना चाहता हूं आपसे कि शुगर की जो दवाई बनाई है नुके सीधी उस चीज पर अटैक करा है जो इंसुलिन बनावर जो किस तरह काम करे है, हमें ये बताओ। ये सीधी पहली दवाई है ये ऐसी अपने भारत के अंदर जो बनी यार किसी ने बना रखी है तो देखो मुझे पता भी नहीं है। हाँ देखो दुनिया में बड़े बड़े अचंभे हैं, बहुत है, हाँ चमत्कार है। हाँ ये जो पहली है पेनक्रिया के ऊपर सीधा काम करती है, सीधी दवाई अपना वीटा सेल पे काम करती है और धीरे धीरे ये दवाई छूट जाएगी। अगर ये नहीं है कि भाई की दवाई नहीं छूटेगी, बिल्कुल छूट जाएगी धीरे धीरे। और इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपने डेली चेक करते रहें कि माइनस में न जाएं। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं किसी वजह से, दवाई से आपका शुगर लो हो गया तो तुरंत मीठा खा लें जी। कोई घबराहट होए या चक्कर आए पसीना आए तो दवाई को देखो चेक करके ले। तो इसको गरीब आदमी भी ले सके, ज़्यादा महंगी तो नहीं है? ना कोई भी आदमी ले सके, कोई महंगी नहीं है। ये 3 महीने की दवाई है, 9 महीने तक पूरी करनी है। अच्छा, तो 3 महीने के 1700 रुपया का हिसाब तो लगा ले, अरे ले जाएगा तो 1500 की होगी। अच्छा। अरे बाकी भाई जो खाने वाले हैं जो ज़्यादा ले हुए हैं जिनका ज़्यादा है तो उनका थोड़ा सा है कि 1500 की और फालतू लग जाएगी। अच्छा, यानी कि जब पहले दिन से आराम आना शुरू हो जाता है, शुगर नॉर्मल हो जाती है, लेकिन बिल्कुल लेवल में लाने के लिए कितने दिन खानी पड़ती है? एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, शुगर की दवाई हर इंसान को, जो शुगर अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी को 3-4 महीने खानी पड़ेगी। किसी के हफ्ते में भी पूर्ण आराम आ जाए, 2-3 पेशेंट आए हमारे बिल्कुल माइनस में जान लगे, उनको दवाई बंद करवा दी, ठीक है। बहुत से ऐसे 15 दिन में दवाई बंद होगी। तो देखो कोई ज़रूरी नहीं कि आपने 3-4 महीने खानी पड़ेगी, वो आपकी सेहत के ऊपर है, आपके बीटा सेल पे निर्भर है कि आपको कितनी दिन दवाई खानी पड़ेगी। हाँ इतना ज़रूर है, अगर आप परहेज जो बोले गए हैं, खाने पीने की जो चेंजिंग बोली गई है, अगर आप उस पे ध्यान दोगे तो आपकी दवाई एक दिन ज़रूर छूट जाएगी। जी धन्यवाद। तो क्या डाक द्वारा भी भेज सकते हैं आप? हाँ भेजने लग रहे हैं। अच्छा, अभी तक आपको आंकड़ा बता देता हूँ मैं आपको, आज तक हम टोटल जो पेशेंटों को दवाई दे सके 1100 से ऊपर, 1176 का आंकड़ा पार हो गया अपना दवाई का, और सभी के रिजल्ट 100% है। बिल्कुल जी, 3 व्यक्तियों ने ये बताया जी हमारा आराम नहीं हुआ है अभी तक जो मेरे आंकड़ा में के अंदर आया है, बाकी सब ने कहा जी हमारा आराम है, या तो उनके लेने में दिक्कत रही है या कुछ खान पीन के अंदर कोई दिक्कत रही है, या उन्होंने शराब पीते होंगे तो उसके काम नहीं करती भाई, क्योंकि ये बाबा श्याम के आशीर्वाद से, बाबा श्याम का प्रसाद है, दारू पीने वाले काम नहीं करते। ले भाई सुन लो, दारू पीने का आराम कौन करेगा? दारू छोड़ दो भाई, कुछ दिन कोई बड़ी बात को नहीं, जीना है और शुगर का लेवल ठीक लेना है तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि हर उस शुगर के मरीज तक ये पहुँच सके वीडियो, और अपना इलाज करवा सके और दवाई लेके नॉर्मल हो सके। जय हिंद, नमस्कार।